देख रहे हैं सच दर्शन। ये है जदुद्वारा सेवा संस्थान सिरसागंज फिरोजाबाद, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की मौजूदगी के साथ ही 81 फुट ऊंचाई के शंकर भोले की प्रतिमा 100 किलोमीटर तक चर्चा व आकर्षण का केंद्र ही नहीं, आत्मिक शांति, जीवन में आनंद और सुख का द्वार बनी हुई है। शंकर भोले की कई वर्षों से लगातार पूजा होने से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शंकर ने जदुद्वारा में भी अपना स्थान बना लिया है और अपनी कृपा से जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। इस तीर्थ स्थल पर जगह जगह लगे पत्थर इस बात को दर्शाते हैं कि मात्र 14 से 15 सालों में इस तीर्थ स्थल ने कितनी तेजी से विकास किया है, जिसमें और कई सहयोगी साथियों के साथ जदुद्वारा के मुख्य संरक्षक, जाने माने समाज सेवी, दिल्ली के उद्योगपति ठाकुर अवनेन्द्र सिंह जादौन, अशोक कुमार सिंह जादौन, ठाकुर ऋषभ सिंह जादौन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जदुद्वारा में हो रही हवन की पूर्ण आहुति के समय जगत गुरु श्री बाल मुकुंदाचार्य को सुना जा सकता है और इसके साथ ही ठाकुर अवनेन्द्र सिंह जादौन व उनकी धर्मपत्नी निशा सिंह को शिवालय में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते देखा जा सकता है। पहुंचे शिकोहाबाद के SDM चंद्र भानु सिंह ने कहा, पार्टी में बड़ा रमणीय स्थल है, हाईवे किनारे है और सुंदर स्थान है। यहाँ आकर के बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ और शांति भी मिल रही है। इतना ही नहीं, जदुद्वारा में हर वर्ष जन्माष्टमी महोत्सव एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। मौके पर हो रही श्रीमद् भागवत कथा के दृश्य को देखा और व्यास की गद्दी पर विराजमान आचार्य सरस्वती जी महाराज की वाणी से झलक रही अमृत का अमृत पान किया जा सकता है। जगतगुरु श्री बाल मुकुंदाचार्य की शंख की गूंज होती है। तत्पश्चात आए वरिष्ठ समाज सेवियों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ जदुद्वारा सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को शॉल उड़ाकर और पटका पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है, जिससे समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले। मिली जानकारी के अनुसार जदुद्वारा बनाने के लिए सबसे पहली ईंट भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति महामहिम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने अपने हाथों से भेजी थी। जदुद्वारा में भगवान कृष्ण का विशाल मंदिर का निर्माण किया जाना है, जिसकी शुरुआत 8 सितंबर 2015 को ईंट रखकर की गई है। श्रीमद् भागवत कथा में कलाकारों ने मनमोहक दृश्य पेश किए। मौके पर दिल्ली से अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति के अध्यक्ष राधेश्याम सोम, JP ठाकुर व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ पहुंचे। राष्ट्रीय संयोजक मैनपाल सिंह राघव और सिरसागंज के युवा नेता ठाकुर राघवेंद्र सिंह ने जदुद्वारा के बारे में कहा, ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है और ये सभी पूरे क्षेत्र का ही प्रयास है, पूरे क्षत्रिय समाज का प्रयास है कि यह ऐसा रमणीय स्थान बने तो पूरा देश विदेश के लोग यहाँ पर आना शुरू करें। सिरसागंज वैसे भी बहुत बड़ा डेवलप एरिया है, यहाँ आलू का पूरा क्षेत्र है और चारों तरफ से यहाँ पर देश विदेश से तमाम यहाँ पे व्यापारी आते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि वृंदावन और मथुरा सिमट करके यहाँ आ गई हो। एक ऐसा तीर्थ स्थल बना है जहाँ भगवान शंकर का सबको आशीर्वाद मिलता है और हर एक व्यक्ति, कोई दुखी हो सुखी हो, सबको यहाँ सुख, आराम और प्यार मिलता है और भगवान शंकर का, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। अब आपको ले चलते हैं ठाकुर अवनेन्द्र सिंह जादौन के पैतृक गांव केरावली सौथरा सिरसागंज जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। गांव में धर्मशाला बनाकर गांव को समर्पित कर दी है। बाबा स्वर्गीय ठाकुर रामपाल सिंह व पिता स्वर्गीय श्री भारत सिंह की समाधि बनाकर ये संदेश दिया कि जीते जी और माता पिता के जाने के बाद भी सम्मान कैसे किया जाता है। ठाकुर अमरेंद्र सिंह जादौन ने सामाजिक धार्मिक कार्यों में रुचि लेकर कई कार्य किए, जिन्हें क्षत्रिय रत्न एक शख्सियत का सम्मान कई मंचों पर दिया गया है।
तथा जदुद्वारा के लिए कई नेताओं का योगदान भी रहा है। सचदर्शन के सीनियर रिपोर्टर हरीश तोमर से बातचीत में ठाकुर अवनिंद्र सिंह जादव ने कहा, पिताजी ने कहा भाई धर्म कर्म तो आपने शुरू कर दिया तो कुछ बुजुर्गों की सेवा करो, तो उस समय हरिद्वार यात्रा हमने 2001 में शुरू करी। गांव से बस में बुजुर्गों को लेके हम हरिद्वार हर की पौड़ी पर जाके यज्ञ किया। उसी में कुछ क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग थे जैसे अशोक सिंह जादौन, यशवंत सिंह एडवोकेट, श्री उजागर सिंह वगैरह और बाकी सब लोग थे, तो उन्होंने वहाँ इच्छा जताई कि हम भी ऐसे धर्म कर्म का एक प्रतिष्ठान लगाना चाहते हैं। आज हम गंगा की पौड़ी पर हैं, यहाँ से शपथ लेना चाहते हैं, आप क्या सहयोग करोगे? मैंने आप सब करो और मेरे लायक जो सहयोग होगा वो पूरा सहयोग मिलेगा और आप जितना कर सकते हो करो, बाकी के लिए मैं तैयार हूँ। उसी समय गंगा की सौगंध खा के सब लोगों ने एक साथ शपथ ली कि हम लोग जदवंशी राजपूत हैं, इसलिए हम लोग जदू द्वारा बनाएंगे, अपने सभी राजपूतों से को उसमें हाईलाइट करेंगे। और उनका निश्चय हुआ कि हम लोग सिर्फ अपने जदवंशी श्री कृष्ण महाराज के वंशज होने के नाते उन्हीं को हम मान के चलेंगे और उसी का हम आयोजन करेंगे। इस तरह से वो श्री गणेश हुआ और श्री गणेश होते होते आज हम इस स्टेज पर पहुंच गए कि हम लोग क्षेत्र का क्या पूरे देश का क्या इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। जलवेश्वर महादेव का मंदिर तैयार हो चुका है, एक पार्ट पूरा हुआ है जिससे पूजा अर्चना शुरू हो गई है और यह आपके सामने प्रत्यक्ष है। और अब नहीं है, इसके साथ गौशाला के लिए भी सभाबी का जमीन मिली हुई है, उसके साथ ट्रांसफर हो जाएगी, साथ में गौशाला को भी साथ लेके चलेंगे। देशवासियों से कि जो भी श्रद्धा रखता है भगवान श्री कृष्ण में, भगवान महादेव में, जो भी है आए यहाँ पर अपने आप को उससे प्रेरित होकर जो भी सहयोग देगा, देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं अपने आप को अपनी आत्मिक शांति को बढ़ाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जदद्वारा आए, भगवान का दर्शन करें, आत्मिक चिंतन करें, अपने स्वास्थ्य लाभ लें। जदद्वारा सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हरीश तोमर की रिपोर्ट, सचदर्शन। We'll be right back.